ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई शुरू कर दी गई। आज केंद्र की ओर से यह ब्यौरा दिया जाना है कि दिल्ली की अस्पतालों में किस तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को बुधवार रात 12 बजे तक 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई देने की जानकारी देने का आदेश दिया था। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली को 730.7 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला। दिल्ली के पास अब अतिरिक्त सप्लाई है, दिल्ली उसे अनलोड नहीं कर पा रहा है। डॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।